तो यार वो डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। सुपरमैन ना ही सिर्फ जस्टिस लीग टीम का इवन अपने पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। पूरी जस्टिस लीग टीम मिलके भी जिन सुपर विलन्स को हरा नहीं पाती, सुपरमैन उन जैसों को अपने लिटरली एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और इसीलिए डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन की बराबरी करने वाले बहुत ही कम है। बट यार क्या हो अगर ये डीसी यूनिवर्स का महाबली सुपर हीरो अकेले पूरे मार्वल के मल्टीवर्स के साथ में बैटल करेगा, तो क्या सुपरमैन अकेला ही पूरे मार्वल के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा? वेल देखो, सुपरमैन काफी पावरफुल है पर उसके लिए भी ये कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। बट क्या हो अगर हम यहाँ पे सुपरमैन को भी मल्टीवर्सल लेवल पावर्स दे दे, तो क्या फिर वो मार्वल के मल्टीवर्स का सामना कर पाएगा? वेल आज की इस वीडियो में हम इसी का आंसर जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम सुपरमैन के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन, जिसे कि आप सब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के नाम से जानते हो, उसे मार्वल के पूरे मल्टीवर्स के साथ में कंपेयर करने वाले हैं और ये जानेंगे क्या मार्वल में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि रोक पाए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को। बट आज के कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसे हमने सबसे पहले इनफाइनाइट क्राइसिस के सुपरमैन बियॉन्ड में देखा था। अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये था कि डीसी के मल्टीवर्स में मैंड्रेक द डार्क मॉनिटर नाम का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन आ गया था, जो कि यूनिवर्सेस की लाइफ फोर्स एनर्जी पर जिंदा रहता था और डीसी की पूरे एंटायर मल्टीवर्स के लिए मैंड्रेक एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया था जिसे कोई रोक नहीं पाया। तो इसी को रोकने के लिए डीसी के मल्टीवर्स में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेस रहती है जिन्हें की मॉनिटर्स कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोबोट बनाया, बट इस रोबोट को चलाने के लिए सुपरमैन और अल्ट्रामैन की कॉन्शियसनेस चाहिए थी। और जब इन दोनों की कॉन्शियसनेस को इस रोबोट में डाला गया, तो वहां पे सुपरमैन की कॉन्शियसनेस अल्ट्रामैन की कॉन्शियसनेस पर भारी पड़ी एंड इस रोबोट के ऊपर टेक ओवर कर लिया। अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास मल्टीवर्सल लेवल पावर्स है एंड पूरे डीसी मल्टीवर्स की रक्षा करना ही इसका सोल पर्पस है। अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अभी तक बस एक ही कॉमिक में अपीयर हुआ है, बट हाँ वहीं से इसकी बहुत सारी पावर्स का आइडिया लग जाता है। अब यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास लिटरली बहुत सारी पावर्स आती है, जिसमें सबसे पहले अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फिजिकल पावर्स की बात करें, तो यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फिजिकल पावर्स की सच में कोई लिमिट है ही नहीं। लिटरली इस बंदे ने पूरे डीसी मल्टीवर्स को अपनी एक फिंगर पे उठा लिया था। मैंड्रेक के पावरफुल अटैक्स को इसने सर्वाइव किया है, जो कि इतने खतरनाक थे कि मल्टीपल यूनिवर्सेस को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दे। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ओमनीशिएंट भी है, ये फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज को भी पहले ही देख सकता है और एंटायर डीसी मल्टीवर्स में कब और कहां पे क्या हो रहा है इसे सब कुछ मालूम है। रियलिटी मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन एंड लिटरली और भी बहुत सारी पावर्स है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास पावर एडेप्शन की एबिलिटी है। अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की इस वाली एबिलिटी को आप ऐसे समझो कि जब मैंड्रेक और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बैटल हो रही थी, तो वहाँ पे पहले मैंड्रेक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे भारी पड़ा, बट फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने अपनी इस वाली एबिलिटी का यूज किया और अपने आप को मैंड्रेक से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। लिटरली यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जो भी पावर सोचेगा ना, वो पावर उसके पास एकदम से आ जाएगी। और इसीलिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को थॉट रोबोट भी कहते हैं, क्योंकि वो जो भी पावर सोचेगा ना, वो पावर उसके पास आ जाएगी। एंड यहाँ पे कॉमिक में इस वाली चीज को प्लॉट डिवाइस की तरह भी यूज किया गया है, जो कि स्टोरीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास फोर्थ वॉल अवेयरनेस भी है और ये अपने रीडर्स को फील कर सकता है, और इतना पावरफुल होने की वजह से ही कई फैंस तो ये भी मानते हैं कि द प्रेजेंस, जो कि डीसी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, डीसी के गॉड है, उनके बाद जो डीसी में सबसे पावरफुल है वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ही है, ऐसा कई लोग मानते हैं। बट आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। सो ये तो हमने बात कर ली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर एंड एबिलिटीज की, बट क्या हो अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बैटल करेगा मार्वल यूनिवर्स के साथ में, तो वो कहां तक स्टैंड कर पाएगा, चलिए जानते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन सबसे पहले मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ में बैटल करेगा, तो यहाँ पे लिटरली सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को रोक पाए। यहाँ पे आप चाहे जिस भी कैरेक्टर की बात करो, एवेंजर्स के सारे मेंबर ले लो, थॉर, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल, मायावी महागुरु, हल्क एंड और जितने भी सारे पावरफुल सुपर हीरो आपको याद आ रहे हैं ना, सुपर हीरो ही क्यों यार, सुपर विलन्स को भी ले लो। थैनोस की बात ही कर लो, उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दो, ऑल फादर ओडिन, किंग ऑफ ओलंपस ज्यूस, डोरमामू, सर्टर, ईगो, सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस और सेलेस्टियल लेवल बीइंग्स एंड और जितने भी सारे पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर आपको याद आ रहे हैं ना सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े, वो सभी लिटरली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई तो प्लेनेटरी लेवल के हैं, कोई गैलेक्सी लेवल के हैं एंड कई तो यूनिवर्सल लेवल के हैं। बट यहाँ पे दूसरी ओर जो कॉस्मिक आर्मर
सुपरमैन है। लिटरली यार ये बंदा तो बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल का है। तो यहाँ पे इन सभी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को हराना कैश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सभी मिलके कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सामना करते हैं तो मे बी 2 या 3 सेकंड ये टिक जाए, बट इससे ज्यादा नहीं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इन अ ब्लिंक ऑफ आई मार्वल के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अब हाँ, थॉर लव एंड थंडर में हमें इटर्निटी के दर्शन हो चुके हैं। अब जो लोग इटर्निटी को नहीं जानते, तो भाई इटर्निटी एम्बॉडीमेंट है यूनिवर्स की, यानी कि ऐसे समझो कि इटर्निटी पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। बट फिर भी यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने इटर्निटी हार जाएगा, क्योंकि इटर्निटी की पावर्स भी यूनिवर्सल लेवल पे ही काम करती है। और यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के लिए यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना लाइक बच्चों का खेल है। बट अगर आपको याद है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल के दर्शन भी हो चुके हैं। अब जो लोग लिविंग ट्राइब्यूनल को नहीं जानते, तो भाई लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल का एक मल्टीवर्सल लेवल एंटिटी है, बट यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल की बात हम आगे करेंगे। एंड अब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर हम मार्वल कॉमिक्स में जंप करते हैं तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे भी नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट, मेफिस्टो, स्काई हाई फादर्स, एल्डर गॉड्स, सेलेस्टियल लेवल बीइंग्स एंड ऐसे बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने हार जाएंगे। कईयों के तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, बट हाँ वो भी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हरा नहीं सकते, एंड उनके साथ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को कंपेयर करना भी टाइम वेस्ट होगा। बट हाँ, इन सभी को हराने के बाद कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सामना होगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ में, कुछ ऐसे एंटिटीज के साथ में एंड सुपर हीरोज की कुछ ऐसी मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के साथ में, जिनके सामने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे र्यून किंग, थॉर, कॉस्मिक गोस्ट राइडर, आयरन गॉड, हाउस ऑफ एम, स्कारलेट विच, क्योस फॉर हरक्यूलिस, ब्लैक प्रिस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, लिविंग ट्राइब्यूनल एंड बियॉन्डर्स जैसे काफी पावरफुल कैरेक्टर आते हैं। अब यहाँ से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर है वो थॉर का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास ओडिन की पूरी ताकत है एंड इसी के साथ उसके पास र्यून मैजिक का भी पूरा एक्सेस है। र्यून किंग थॉर रियलिटी रैपिंग कर सकता है, उसके पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देखने की एबिलिटी है एंड इसी के साथ वो इतना पावरफुल है कि उसने यदरशील को इरेज कर दिया था, शैडो गॉड्स को हरा दिया था, मैंगोक को रियलिटी से इरेज कर दिया था एंड और भी काफी कुछ कर चुका है र्यून किंग थॉर। बट मैंने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस र्यून किंग थॉर के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें हमें ये पता चला कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक्चुअली र्यून किंग थॉर से ज्यादा पावरफुल है एंड वो कैसे, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर बात करें कॉस्मिक गोस्ट राइडर एंड आयरन गॉड की, तो यहाँ पे गोस्ट राइडर और आयरन मैन के पास गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक आ गई थी और इसीलिए ये दोनों बन गए थे गॉड लेवल के बींग्स। बट फिर भी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने ये दोनों हार जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की पावर्स एक आप कह सकते हो कि हाई यूनिवर्सल लेवल पे काम करती है। बट यहाँ पे कैश तो लिटरली पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है। और अगर यहाँ पे हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच की बात करें, तो यहाँ पे वांडा आई के स्कारलेट विच का ये वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये इतनी पावरफुल है कि अपनी पावर्स से मल्टीवर्स नहीं पूरे ओमनीवर्स को इफेक्ट कर चुकी है। और यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने जब ये आएगी, तब यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वांडा का ये वाला वर्जन इतना पावरफुल है कि इसने बस 3 वर्ड्स बोले थे, नो मोर म्यूटेंट्स। और वांडा के बस इतना कहते ही मल्टीवर्स के लिटरली जितने भी म्यूटेंट्स थे ना, वो सारे पावरलेस हो गए और वांडा के स्पेल से निकली क्योस एनर्जी पूरे ओमनीवर्स में फैल गई। बट यहाँ पे हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच के साथ जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जो वांडा है उसे अपनी पावर्स यूज करना ही नहीं आती। वांडा के पास पावर्स तो है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बराबरी की टक्कर दे सके, बट वो उन पावर्स को यूज करना ही नहीं जानती और यही रीजन है कि यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच को भी हरा देगा। और अगर हम बात करते हैं क्योस वॉर हरक्यूलिस की, तो ये वाला वर्जन ऑफ हरक्यूलिस सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये वाला वर्जन ऑफ हरक्यूलिस इतना पावरफुल है कि इसने क्योस किंग इमात्सुमी काबुशी को हरा दिया था एंड क्योस किंग वही बंदा है जिसने 98% ऑफ मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही मल्टीवर्स को बर्बाद कर दिया था क्योस किंग ने। बट क्योस वॉर हरक्यूलिस ने ना सिर्फ इमात्सुमी काबुशी को हराया बल्कि उसे एक पॉकेट डायमेंशन में भी ट्रैप कर दिया और जो मल्टीवर्स उसने डिस्ट्रॉय किया था अपनी पावर्स का यूज करके क्योस वॉर हरक्यूलिस ने डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को रिस्टोर भी किया। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने क्योस वॉर हरक्यूलिस भी हार जाएगा, क्योंकि भले ही यहाँ पे क्योस वॉर हरक्यूलिस ने एक मल्टीवर्सल थ्रेट को हराया है, बट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी मैंड्रेक को हरा के ये कर चुका है। बट यहाँ पे क्योस वॉर हरक्यूलिस की लिमिटेशन को हमने देखा है, लाइक जब उसने डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को अपनी पावर से रिस्टोर किया तो ये करने में क्योस वॉर हरक्यूलिस की सारी पावर्स चली गई एंड वो वापस से नॉर्मल हो गया। बट वहीं दूसरी ओर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की ट्रू पावर का अभी कोई आइडिया ही नहीं है और ऊपर से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास पावर एडेप्शन की एबिलिटी भी है जो कि उसको अलाउ करती है कि वो अपने आप को कोई भी पावर दे सकता है मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए। तो यस, मुझे लगता है कि इन दोनों की बैटल काफी बराबर
बराबरी की होगी और एक मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना तो पक्का ही है। बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इस बैटल को विन करेगा। बट इसके बाद कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सामना होगा लिविंग ट्राइब्यूनल के साथ में। अब यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की तरह ही लिविंग ट्राइब्यूनल भी पूरे मार्वल मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है। एंड लिटरली इसकी सारी पावर्स अबव मल्टीवर्स लेवल पे काम करती है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने जिस मैंडरेक को हराया था लिविंग ट्राइब्यूनल, उससे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये बैटल बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल को दिक्कत नहीं होगी, ये एंटिटी भी काफी हार्म हो जाएगा। अब लिविंग ट्राइब्यूनल है तो काफी पावरफुल, बट यार मार्वल वालों ने इसका भी मजाक बना के रखा है। जैसे कि एक बार 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था, जो कि ये शो करता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल पूरी तरह से इमॉर्टल नहीं है। एंड प्रोटोजी नाम की एक बच्ची थी जिसने कि लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स को कॉपी कर लिया और ऐसा करके उस बच्ची ने लिविंग ट्राइब्यूनल को भी हरा दिया। बट फिर भी यार लिविंग ट्राइब्यूनल है तो काफी पावरफुल, तो हाँ यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल की बैटल में कोई भी जीत सकता है, यानी कि दोनों के पास ही 50-50 चांस है विन करने की। बट फिर भी ये तो हमने बात कर ली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनके सामने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को अपनी पावर्स का बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बट अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आते हैं जिनके सामने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फटके 64 हो जाएगी और उन्हें डिफीट करना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बस की बात नहीं है। और यहाँ पे आते हैं ओब्लिवियन ट्रू फॉर्म, स्कैंथन द अप्रूवल, प्रीरेडकॉन बियॉन्डर, द डिवाइन क्रिएटर, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, फल्क्रम एंड द वन अबव ऑल। अब देखो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अगर इन सभी का सामना करेगा तो वो इन्हें हरा नहीं पाएगा। अब हाँ मैं मानता हूँ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन काफी पावरफुल है, बट यार इतना भी कंफर्म है कि वो ट्रू ओमनीपोटेंट लेवल बींग्स को हरा नहीं सकता। और यहाँ पे जिन भी कैरेक्टर्स के मैंने नाम लिए वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। और बस इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड अगर कहीं से भी चैनल पर नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे जरूर ही बताना। एंड बाकी बस मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।